बरेली के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव, पति पत्नी को घर भेजा। बरेली डॉक्टर स्टाफ टीम में खुशी की लहर, ताली बजाकर मरीजों की छुट्टी की, घर जाते समय सभी ने तालियां बजाई। बरेली के एक ही परिवार के जिन 6 मरीजों की रिपोर्ट में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे, उनकी आज लखनऊ से नेगेटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। मालूम हो कि सुभाष नगर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति जो नोएडा के फैक्ट्री में काम करता है, जब बरेली अपने घर आया तो उसको बुखार और जुकाम की शिकायत थी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान जाँच में उसको कोरोना की पुष्टि हुई थी। उसकी पत्नी को भी कोरोना पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने उसके पूरे परिवार को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया और 6 लोगों जो कोरोना वायरस ने चपेट में ले लिया। इसके बाद सुभाष नगर इलाके को हॉटस्पॉट मानते हुए सील कर दिया गया। पूरे इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने साइटेशन किया और एक एक घर की जांच की गई। महेश और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आ गई थी। बाकी 4 लोगों की आज रिपोर्ट नेगेटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम की 6 बजे 2 लोगों को उनको घर भेजा दिया। आज हमारा त्यौहार है, क्योंकि सच में त्यौहार तो हमारा कल था, हैप्पी ईस्टर, और हम लोग बहुत उदास थे। लेकिन आज सचमुच ऐसा लग रहा है कि वाकई हमारा आज, मतलब हम कह नहीं सकते, और ये हुआ है तो सिर्फ प्रेयर से। हमारी प्रेयर का रिजल्ट ऊपर वाले ने दिया है, ये ठीक है, और बहुत लोग की सपोर्ट है, हमारे फरीद बाबू, हमारे डॉक्टर वागेश, और हम लोग जो काम किए हैं तो प्रेयर से हमारी पूरी टीम, और हमें हिम्मत मिली। और हम बहुत खुश हैं कि अजीब सा रिश्ता इनसे बन गया है, जो कि ये अब यहीं तक सीमित नहीं है, हमारे नंबर इनके पास है, और ये रिश्ता हमारा इनका साथ अब हमेशा है, और हमेशा हमारी ब्लेसिंग्स इनके साथ है। अभी 4 और अंदर है, वो कह रहे हैं दीदी हम लोग से, सोनिया दीदी, प्रमला दीदी। मैम आपका शुभ नाम और पदनाम भी जानना चाहिए। मेरा नाम प्रमला मैसी है और मैं स्टाफ नर्स, सीनियर स्टाफ नर्स हूँ, और ये सोनिया मैसी है। डॉक्टर साहब, सबप्रथम आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर बागीश वैश मेरा नाम है। डॉक्टर साहब, जो आज 2 लोग डिस्चार्ज होके अपने घर पे जा रहे हैं, कोरोना के जो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव, डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आज कितने लोग निगेटिव हो गए हैं? आज 6 पेशेंट थे, 6 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, और 2 पेशेंट को मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। इससे बड़ा मेरे 25 साल के अंदर मेरी नौकरी में, मेरे पूरे सर्विस के पीरियड में, इससे ज़्यादा खुशी का दिन नहीं आया। लेकिन साथ साथ मुझे दुख इस बात का है कि इनके घर में सुबह चोरी हो गई, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। मतलब मेरी सारी खुशी थोड़ा सा दुख में थोड़ा मेरी बदल गई जब इसकी मुझे सूचना पता चली कि मुझे इनके घर में चोरी हो गई। लेकिन फिर भी मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और जो बाकी 4 लोग रह गए हैं उनकी भी मैं कल सैंपल भेजूंगा, और उम्मीद करते हैं उनका टेस्ट अगर नेगेटिव आए वो भी अपने घर स्वस्थ होकर जा सके। डॉक्टर साहब, ये जैसे कि अपने घर के अंदर जा रहे हैं जी, तो इनको क्या हिदायत दी गई है? हिदायत इनको, अभी मैंने इनको मेडिसिन दे दी है, कुछ ताकत की दवाइयाँ हैं, कुछ डायलेशन की हैं, और कुछ बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। बाकी इनके डाइट कैसे लेना है, क्या करना है, वो मैं इनको बता दिया है। बाकी इनके फॉलोअप के लिए मैं इनके पास, इनके लगातार कॉन्टैक्ट में रहूँगा, और इनको मैंने बता भी दिया है किसी तरह की कोई समस्या हो मुझे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। पॉजिटिव केस थे, उनको 2 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया है। क्या पूरा मामला है और अभी किस तरीके से इनका इलाज किया गया? जनपद बरेली में सर्वप्रथम जो व्यक्ति 29 तारीख को पॉजिटिव पाए गए, सीज फायर नोएडा कंपनी में वो काम करते थे, तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनके परिवार के अन्य सभी सदस्यों को भी क्वारंटीन करके टेस्ट कराया, तो उन्हीं के परिवार के 5 अन्य सदस्य भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये 6 लोग हमारे जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। इसमें जो सर्वप्रथम रोगी थे उनकी लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उनकी पत्नी की लगातार 2 रिपोर्ट 24 घंटे के अंतराल पर निगेटिव आ गई। उन दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब इनको 14 दिन तक घर पर और होम क्वारंटीन की सलाह दी जाए। जो इनके परिवार के, इसके परिवार के अन्य सभी 4 लोगों की भी रिपोर्ट निगेटिव 1 आ गई है। यदि उनकी भी 24 घंटे बाद दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है तो उनको भी डिस्चार्ज किया जाए। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।